अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के एक ऐसे नबी जिनको जिंदा समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। आपने ऐसी कौन सी गलती की थी, यानी आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कितने दिनों तक उस बड़ी मछली के पेट में रहे, और आपने कौन सी ऐसी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने आपसे इस आजमाइश को दूर कर दिया, और आप कितने दिनों के बाद उस बड़ी सी मछली के पेट से बाहर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबोगरीब वाकिये के बारे में बताएंगे, और साथ ही उस ख़ास दुआ के बारे में भी आपको बताएंगे जिस दुआ को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मांगा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस आजमाइश को आपसे दूर कर दिया। इस दुआ को जो भी मुसीबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के एक नबी गुजरे हैं। आपके वालिदे गिरामी का नाम मती था, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की तरफ भेजा था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो अकेली कौम है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम को भेजा। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबुवत अता फरमा के इराक के मशहूर शहर नैनवा की तरफ भेजा था। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबुवत अता फरमाई, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल की थी। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा, यानी कोई ध्यान नहीं दिया, और उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तिला रहे। चुनांचे इसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते और गुनाहों से मना करते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई, और उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तिला रही। नैनवा के लोगों की इस सरकशी ने और लगातार उसकी मुखालिफत यानी विरोध ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उदास कर दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले और दरियाए फुरात के किनारे पहुँच गए। वहाँ पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तूफ़ानी हवाएं चलने लगी, और उन खौफनाक तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे उन तूफ़ानी हवाओं की वजह से कश्ती के डूबने का ख़तरा पैदा हो गया। उस वक्त चलाने वालों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला न जाएगा, तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल ना होगी। चुनांचे कश्ती चलाने वाले यानी मल्लाहों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहाँ से चलाया, और शायद अल्लाह तबारक व ताला को मेरा ये काम पसंद नहीं आया, इसीलिए ये आसार यानी ये संकेत दिख रहे हैं और ये मेरी आजमाइश है। चुनांचे ये मंजर देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से फरमाया कि मैं हूँ वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका से भाग कर आया है, मुझे कश्ती से फेंक दो ताकि ये तूफ़ान रुक जाए। मगर उस कश्ती में सवार मल्लाह और मुसाफिर आपको खूब जानते थे और आपको नेक इंसान समझते थे। वो लोग आपकी शराफत से खूब मुतासिर थे। चुनांचे उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर ये तय पाया कि कूरा अंदाजी की जाए, और जिसका नाम कुर्रा में निकलेगा उसको कश्ती से निकाल दिया जाएगा।
चुनांचे सबकी राय के मुताबिक कूड़ांदाजी की गई। इस कूड़ांदाजी में पहली बार हजरते यूनुस अलैह सलाम का नाम निकल आया। चुनांचे इस तरह हजरते यूनुस अलैह सलाम का नाम देखने के बावजूद भी मल्लाह और मुसाफिरों को यकीन न आया। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कूड़ांदाजी की गई। हर बार हजरते यूनुस अलैह सलाम का नाम निकलता। चुनांचे इस तरह मल्लाह और मुसाफिर आपको कश्ती से निकालने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद हजरते यूनुस अलैह सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से एक बहुत ही बड़ी मछली ने आपको निगल लिया और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरते यूनुस अलैह सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। हजरते यूनुस अलैह सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे और 40 दिन के अंदर अंदर आज़ाब इलाही के नाजिल होने के बारे में भी कहकर आए थे। चुनांचे हजरते यूनुस अलैह सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के आज़ाब के आने के बारे में जो बताया था, उनकी कौम को उस पर यकीन न आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरते यूनुस अलैह सलाम तो कहते थे कि अल्लाह तबारक व ताला का आज़ाब आएगा, लेकिन अब तक तो आज़ाब ना आया, न जाने वो आज़ाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व ताला के आज़ाब के आसार दिखना शुरू हो गए। चुनांचे इस तरह आज़ाब इलाही के आसार को देख कर वो लोग परेशान होने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरते यूनुस अलैह सलाम की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनांचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस आज़ाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और आज़ाब को टाल दिया। प्यारे दोस्तों, इधर हजरते यूनुस अलैह सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह तबारक व ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर आने पर पछता रहे थे। चुनांचे उस वक्त हजरते यूनुस अलैह सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी खता की मुआफ़ी के लिए ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन, यानी ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरते यूनुस अलैह सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो उस दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरते यूनुस अलैह सलाम से इस आजमाइश को ख़त्म कर दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरते यूनुस अलैह सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर वापस डाल दे। चुनांचे उस वक्त उस मछली ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को मानते हुए हजरते यूनुस अलैह सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया। इस तरह हजरते यूनुस अलैह सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और इस आजमाइश से आपकी निजात बख्शी। जब मछली ने हजरते यूनुस अलैह सलाम को अपने पेट से बाहर निकाला तो हजरते यूनुस अलैह सलाम बहुत ही कमज़ोर हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरते यूनुस अलैह सलाम के करीब एक बेल का दरख्त उगाया। उस दरख्त की वजह से हजरते यूनुस अलैह सलाम की हालत बेहतर हुई तो आपने उस दरख्त के साए में एक झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में रहने लगे। चुनांचे कुछ दिन के बाद उस बेल की जड़ों को कीड़ा लग गया और वह बेल सूखने लगी। ये माजरा देखकर हजरते यूनुस अलैह सलाम को बहुत दुख हुआ क्योंकि हजरते यूनुस अलैह सलाम उस बेल से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरते यूनुस अलैह सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और हजरते यूनुस अलैह सलाम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ यूनुस अलैह सलाम, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत दुख हुआ जो एक मामूली और हकीर चीज़ है, लेकिन आपने अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि नैनवा में बसने वाले 100,000 से ज़्यादा इंसानों को और उनके अलावा लातादाद हैवानों और जानवरों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज़्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए मेहरबान हो। और आप अलैह सलाम वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम को बद्दुआ देकर वहाँ से चले आए। एक नबी की ये शान नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतज़ार भी ना करे। फिर इसके बाद
अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनवा जाए और वहाँ पर रहकर नैनवा के लोगों को दीन की तबलीग करे और उनको अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम पहुँचाए, ताकि अल्लाह तबारक व ताला की सारे मखलूक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फ़ायदा हासिल कर सके। चुनांचे उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक वादी नैनवा में दोबारा तशरीफ़ ले गए और उनकी कौम ने उनके वापस आने पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। उस कौम ने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाब हुए और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे आमाल से हमें निजात अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये मालूमात आपको पसंद आई है, तो आप लोग इस मालूमात को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के ज़रिए अपने दोस्तों में इस मालूमात को फैलाएं। तो हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।